आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि हम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है, इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। क्या लोग सोचते हैं क्या है छवि क्या है, या तो वो मतलब बरकरार ही रहता है, कभी थोड़ा कम ऐसा दिखता है पर रहता ही है मतलब। फिर ये क्यों है तो, और ऐसा सबके साथ तो नहीं। अभी जैसे कोई छोटा कुत्ता है उससे तो मैं नहीं सोच रहा कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या मतलब मेरे से कोई कमज़ोर है जिससे मेरे को बिल्कुल कोई डर ही नहीं है तो उससे रिलेटेड तो मैं नहीं सोच रहा कि मेरे को क्या सोच रहा है। या जैसे कोई खूबसूरत लड़की है उसके बारे में तो ज़रूर सोचूंगा, मतलब उससे तो रिलेटेड है ही। और कोई मेरे नज़र में जो बदसूरत है, मतलब मेरे को जिससे कोई लेना देना नहीं है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है जैसे, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहेगी। तो मतलब ये है, मतलब ये डर है और कुछ सामने वाले को यूज़ कर मतलब सामने वाले को यूज़ करने का वो है, और वो समझ नहीं आ रहा तो क्या इससे क्या है। समझ तो गई हो जो तुमने बात बोली हो सब समझदारी की है, कि जिसके साथ स्वार्थ जुड़ा होता है उसी की कदर करते हो और उसी से डरते हो। पर मतलब फिर भी है ही ना, मतलब है ही क्योंकि स्वार्थ है तो डर है। इतना समझ लिया, स्वार्थ बराबर डर। हाँ। अब आगे बढ़ो, अब पूछो कि उस स्वार्थ से मुझे हासिल क्या हो रहा है। डर तो हासिल हो रहा है ये स्पष्ट है, नुकसान तो स्पष्ट है, लाभ कौन सा है जिसकी मुझे आशा है ये भी पूछो। क्या वो लाभ इतना बड़ा है कि उसकी खातिर डर बर्दाश्त किया जाए? अगर है इतना बड़ा तो डर बर्दाश्त करो बेशक, नहीं है तो काहे का डर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब फिजिकल पेन होगा? उतना भी नहीं होता है। देखो ऐसा नहीं है कि हम सब ये समीकरण जानते नहीं है, पता तो हमें है ही। किसी की कदर तुम कर रहे हो किसी स्वार्थ की खातिर, ठीक, इसको कहते हैं भाव देना, देते हैं ना, किसी स्वार्थ की खातिर किसी की कदर कर रहे हो, तुम उसे भाव दिए जा रहे हो और वो और ऐंठता जा रहा है। एक बिंदु तो आता है जब तुम कहते हो धत् तेरी, होता है कि नहीं? तुम कहते हो जितना सर पे चढ़ा रहे हो उतना चढ़ रहे हो, जाओ नहीं चाहिए जो तुम देने वाले थे, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला था, उसी के लालच में तुम उसे भाव दिए जा रहे थे, लालच में, और वो अपने भाव बढ़ाए जा रहा था। तो एक बिंदु पर तो आकर कहते हो ना कि नहीं चाहिए जा, करते हो ना, एक सीमा पर आकर करते हो। मैं कह रहा हूं कि वो बिंदु जरा पहले आ जाए, मैं कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं। जानते ही हो कि डर झेलना दुख की ही बात है, जानते ही हो कि जितना दबते हो उतनी तकलीफ होती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जब तुम स्वयं ही इनकार कर देते हो दबने और डरने से। मैं कह रहा हूं वो मुकाम थोड़ा पहले ही आ जाए ना, उस सीमा को थोड़ा पहले खींच दो। मान लो कोई चार गाली सुनाए, उससे तुम्हारा स्वार्थ बहुत है, और चार गाली सुनाए तो तुम कहते हो नहीं अब हमारा जमीर जाग गया है, कुछ नहीं चाहिए तो उससे चला जाए यहां से, क्योंकि उसने चार गाली सुनाई है। तो साधना यह है कि अगली बार जब तीन सुनाए तभी कह देना तू जा, उसके अगली बार दो में ही कह देना कि नहीं जा, उसके अगली बार एक में, और उसके अगली बार उस व्यक्ति और उस जैसे व्यक्तियों के आसपास नजर ही मत आओ। ले देकर बात इतनी सी है कि झेलना बंद करो,
बहुत झेलते हो, हम बड़े मजबूत लोग हैं, रोज पिटते हैं, रोज झेलते हैं, हमारी सहिष्णुता, हमारी सहनशीलता भगवान की माया की तरह अनंत है, अपरंपार। कोई कहता ना इस संसार में कुछ भी असीम नहीं है, कैसे नहीं है? हमारा धैर्य देखो, रोज पिटते हैं और अगले दिन पिटने के लिए फिर हाजिर हो जाते हैं, जी जनाब, अनंत धैर्य कैसे नहीं है हमारा? है ही, आखिरी सांस तक पिटेंगे और पिटते ही रहेंगे। कम धैर्य रखो, बेवकूफी को, उद्दंडता को, शोषण को ना बोलना सीखो, और जल्दी ना बोलना सीखो, बहुत इंतजार, बहुत बर्दाश्त मत किया करो। मैं तो धड़कन तेज हो गई। अरे ना ही तो बोलना है, उसमें फिर जैसे मैं कुछ आप ना बोलने लगा या ऐसे करने लगा, फिर वो भी बाद में दिखेगा कि बेवकूफी कर रहा था, तो फिर गिल्ट होगा। फिर कुछ और करना, तुम्हें अभी से आगे का भी दिख रहा है, तुम त्रिकालदर्शी हो, देख रहे हो चालाकियां, कि मैं अभी तो ना बोल दूं फिर आगे मुझे पता चलेगा कि ना गलत बोली। अभी का जो है वो इन्हें पता चलता नहीं, आगे का इन्हें पहले से पता है। हमारी पीड़ा में भी हमारी दुष्टता छुपी है।